Sir, you want to go to Nana Plaza after dinner? Hey, 500 baht, 500. अजीब लग रहा है, embarrassing लग रहा है जो कर रहे हैं हम, पर क्या कर सकते हैं? Hello. Yo, so welcome back to my vlog. मेरा नाम है संदीप रावत और भैया. अभी तुम्हारे बाबा ने दाढ़ी वाड़ी काटी है, थोड़े बाल बाल सेट किए हैं और यहाँ पे ये हरकत कर दी मैंने. और ये दिक्कत नहीं है तो मैं हमेशा करता हूँ, पर दिक्कत ये है कि डैमी जी का भी मैसेज आया कि डैमी की आज अर्ली शिफ्ट थी, मुझे ध्यान नहीं रहा और डैमी घर पहुँचने वाली, केवल 5 मिनट के अंदर पहुँचने वाली घर. और हालत ये है घर की. तो बाय द वे, जो लोग खाना खा रहे थे अभी, सॉरी ये सब दिखाने के लिए, आई एम सो सॉरी. और रोटी दूं बेटा? आफ्टर यू मैम. सुंदर एंड सुशील बाबा. हर वीडियो में गा रहा हूँ. टेंशन मतलब तुम्हारे बाबा को बाहर नहीं निकाला है डैमी ने घर से. डैमी के घर पे आने से पहले ही तुम्हारे बाबा ने सब कुछ ठिकाने लगा दिया था. टुडे इज सैटरडे नाइट बाय द वे, और सैटरडे नाइट का मतलब है भाई कि जाना पड़ेगा बाहर. संडे को घर पे चिल कर सकते हैं, पर सैटरडे नाइट डैमी ने बोला सैटरडे बाहर घर जाके खाना खा के आते हैं. अब खाने के नाम से, डिनर के नाम से हमेशा इंडियन फूड दिमाग में आता है तुम्हारे बाबा के. दिन भर मैं कुछ भी खा लूँ पर रात को इंडियन फूड चाहिए इस हिंदुस्तानी दिमाग को, मतलब हिंदुस्तानी पेट को, दिमाग को. पर आज ये हिंदुस्तानी पेट की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ज़्यादातर इंडियन डिनर करने के लिए इंडियन फूड ही खाते हैं, जो कि व्लॉग में भी दिखता है तुम्हें, ज़्यादातर इंडियन फूड ही खाते हैं. पर आज डैमी ने भैया पहले से बोल रखा था कि डैमी को कोरियन सुअर खाना है. कोरियन सुअर, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस राइट. इट्स गना बी फर्स्ट फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड एंड लिटिल बिट अफ्रेड बिकॉज इट्स अनलिमिटेड बुफे. और सोचो मैंने पैसे भर दिए अपनी तरफ. डैमी को तो पसंद आना है, डैमी ने बहुत बार खा रखा तो उसका पैसा वसूल हो जाएगा. पर सोचो मैंने अगर पैसा भर दिया, क्योंकि पहले तो पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद जब अनलिमिटेड खाने के लिए मैं गया और एक भी डिश पसंद नहीं आई इंडियन मुझे, तो सोचो क्या हालत होगी. तो मैं इसलिए डर रहा हूँ कि पूरा पैसा बर्बाद ना हो जाए ट्राई करने के चक्कर में. पर देखते हैं, डैमी बोल रही है ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी डिश पसंद ना आए, कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा मुझे. थाई सुअर डैमी, थाई सुअर व्हाई? चीप थाई सुअर, कम ऑन डैमी प्लीज. थाई टैक्सीज में बैठने का मुझे एक डिसएडवांटेज हमेशा से लगता है, जो कि पता नहीं, यहाँ पे तुम लोग अगर बैंकॉक घूमने आए हो और थाईलैंड में किसी टैक्सी के अंदर बैठते हो तो अजीब सी स्मेल नहीं आती, अजीब सी पता नहीं कुछ ही सैंड वैंड छिड़कता है थाई टाइप का, आई डोंट नो कौन सा, पर मेरे सर दर्द हो जाता है तो मैं तो खिड़की खुलवा लेता हूँ सीधे ही. हालत ख़राब हो गई भाई, हालत ख़राब हो गई, उल्टी जैसा हो रहा है मन. पता नहीं इस वाली टैक्सी में से कुछ ज़्यादा ही अजीब सी, जैसे कोई थाई तेल, जैसे जापानी तेल नहीं होता, थाई तेल की अजीब सी बदबू सी आ रही थी, आई डोंट नो. जी ख़राब हो गया पूरा मेरा यार. यो आई जस्ट रियलाइज डैमी दिस इज़ नाना राइट, नाना एरिया है. सर यू वॉन्ट टू गो टू नाना प्लाजा आफ्टर डिनर? हम यार नाना प्लाजा अभी भी बंद है, पर उसके आसपास के जो बाहर से हैं दे आर ओपन, क्योंकि मेरे ऑफिस वालों ने बताया कि नाना प्लाजा के आसपास जितने भी बार हैं वो खुल चुके हैं, और कुछ कुछ बार तो 11 बजे बाद 10 बजे बाद भी खुले हुए हैं, जब कर्फ्यू लग रहा है उसके बाद भी. दैट्स प्रीटी कूल, मतलब अभी भी पार्टी की जा सकती है, पर रिस्क रहेगा पार्टी करने का. बट आई एम एट नाना काफ़ी टाइम का. वेयर इज द नाना प्लाजा डैमी? आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम जस्ट आस्किंग. दैट साइड और दिस साइड? हाँ, खुशबू आ रही है मुझे. आई कैन स्मेल डैमी, आई कैन स्मेल नाना प्लाजा. Where are you taking me? I can see some people standing. भैया यहाँ पे तो कलियाँ खिल रखी हैं. अभी डैमी भी वैसी लग रही है. डैमी you look like them. I mean you don't look like them, but you are walking with a foreigner, so it's like, hey, 500 baht, 500. Look, as I was saying, bars are open, so we can sit and drink or what? We can drink? No? Then why it is called bar then? It's just to eat, huh? Hello, ये सब खुल रखा है, but I think it's just for food, not for drink. But जहाँ की मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, normally जहाँ पे मेरे office वाले जा रहे हैं इन दिनों, वहाँ पे दारू वारू सब चल रही है बार के अंदर, so it's illegal. पर अभी चला रहे हैं, ये हर जगह
अब खर्चा पानी तो ऐसे ही चलेगा, अभी थाईलैंड का मेन जो इकोनॉमी है इससे ही तो बनता है। तो खाने की चीज़ भी कहाँ बना रही है आदमी की, यहाँ तक पूरा चलते चलते तो भूख तो वैसे मिट जानी है आदमी खाएगा क्या फिर इंसान। ओ इंडियन स्ट्रीट फूड, व्हाट इज दैट, व्हाट इट्स क्वाइट बिग। अरे यहाँ पे आएंगे, यू वांट टू ईट इंडियन? I don't even have hair. What are you talking about? बोल रही है कि ना ये पहनना पड़ेगा क्योंकि जिससे कि बाल ना गिरे खाने पे, ना वाला बाल है ही का जो गिरेंगे खाने पे। तो वी हैव 1.5 आवर राइट, या डेढ़ घंटे में ठूस लेके। व्हाट इज दिस पॉक? एवरीथिंग इज पॉक राइट, नथिंग इज बीफ। ओके तो भैया दिस इज ऑल अनलिमिटेड, कितना भी ठूसो। यहाँ पे मुझसे वो लकड़ी के ढंग से सामान लेने जाते हैं, यहाँ पे लोहे के और पकड़ा दिए। 10 बाट में मिलती है बाहर ही है ये वाली नूडल, और यहाँ पे बना के खुद ही खाओ। दिस इज रॉन्ग, दे शुड मेक इट सम ऑफ देम लाइक एवरीथिंग वी हैव टू मेक। और आइटम लेने के गए, यहाँ पे सब कुछ जल गया, मतलब दिस इज रॉन्ग यार। 90 मिनट दे गए बस, वी हैव टू कुक, वी हैव टू टेक द फूड। ये जो नूडल्स है जो वहाँ पे हम लोगों ने पैकेट से निकाल के बनाई थी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों को, वेरी क्लोज टू मैगी, काफ़ी बड़ा बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, बट इट्स वेरी वेरी क्लोज टू मैगी। तो मेरे को एक तरह से थाईलैंड में रिप्लेसमेंट मिल गया है मैगी का, बिकॉज दिस इज लिटरली लाइक मैगी, आई मीन वेरी क्लोज टू मैगी। मैं तो भैया चम्मच और कांटे से लग गया, डेढ़ घंटा मिला हुआ है उसके अंदर, इससे और लड़ू मैं। वैसे डेढ़ घंटा मिला हुआ है, यहाँ पे जितने भी लोग देख लो खाते वक्त सब भाग भाग के खा रहे हैं, मतलब किसी को ड्रिंक लेने आना है पीछे, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ले रहे हैं क्योंकि डेढ़ घंटे का टाइम है, भूख हड़ताल हो रही है यहाँ पे। वो ला रही थी एक एक जा रही, एक प्लेट में 2-3 मीट लेके आ रही, मैंने क्या कर रही है भाई, अनलिमिटेड है। और अब देखो तुम्हारा बाबा पूरी कसाई की दुकान ही खरीद के ले आया। डू यू थिंक इट्स गुड अ लॉट, देन व्हाई डोंट यू ब्रिंग दिस मच? एक हिंदुस्तानी कर सकता है ऐसा, पैसा वसूल अच्छी तरह। व्हाट यू सेड, कैन यू से इट अगेन? So then why didn't you stop me when I bought all the things? I bring all the things. So we have to finish all of it. This is bullshit. टेबल में कुछ भी रखा हुआ बच गया अगर डेढ़ घंटे बाद, तो हमें उसका एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। ये क्या बकवास नहीं, तो हमें जो भी चीज़ लेके आऊँ, इसने रोका भी नहीं उसका, मैं तो भरलाया पूरी कसाई की तरह पूरी प्लेट, अब पूरा ख़त्म करना पड़ेगा वरना जितने अनलिमिटेड वाला बुफे के पैसे दिए उसका एक्स्ट्रा लगेगा। व्हाई डिडंट यू टेल मी यू विल पे देन? लेट्स फिनिश इट भैया, पहले तो मैं मजे में खा रहा था, मजे में लेके आ रहा था उठा के, अब तो साला ये एग्जाम टाइप का हो गया कि सब कुछ ख़त्म ही करना है और पेट तो ऑलरेडी भर गया है। हाउ मच यू कैन फिनिश डैमी? फिनिश इट? अरे ये क्या बाबा सिर पाल लिया भैया, खा भी रहे हैं खाने भी लगा रहे हैं खाने को, कुछ खाना इतना कुछ अभी बचा हुआ है जो हमें ख़त्म करना है, और बाकी कुछ हम लोगों ने ठिकाने लगा दिया, जैसे कि वो सूप दिख रहा है उसके अंदर डिप कर दिया, प्लेट के नीचे छुपा दिया। अब इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हम, बुरा लग रहा है कि खाना ख़राब हो रहा है, पर पता ही नहीं था हम लोगों को ये सब यहाँ पे चल रहा है। मतलब डैनी को पता था, उसने मुझे शायद बताया, मैंने सुना नहीं, पता नहीं, मैं लिया है इतना सारा, अब कुछ कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा पेमेंट करने से अच्छा है इसको कहीं छुपा देते, नीचे छुपा दिया, अभी भी इतना बचा हुआ है तो थोड़ा बहुत खाएँगे और थोड़ा बहुत किसी और प्लेट के नीचे छुपा देंगे कि ख़त्म तो नहीं होना इतना सारा। हम ऑलरेडी वी आर फुल,
क्या क्या करना पड़ रहा है क्या एंड आई एम वी नॉट गोना कम बैक अगेन दिस इज टू मच हार्ड वर्क व्हाट वी आर डूइंग सीरियसली वेरी गुड डैमी मास्टर वेट शी इज कमिंग लाइक जो लोग हैं आसपास जो वर्कर्स हैं साफ वो भी देख रहे हैं ऐसे नहीं है मतलब ध्यान देते हैं उन लोगों को पता है कस्टमर्स क्या करते हैं एक्स्ट्रा ना लगे इस वजह से हम लोग बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं डैमी ने दो पीसेस इसमें छुपा दिए हैं ऑलरेडी बाकी प्लेट के अंदर है सूप के अंदर है एक दो पीसेस हमने जला दिए हैं दिल दुख रहा है ऑब्वियसली खाने को वेस्ट करना पड़ रहा है पर खा सकते नहीं है ना ऑलरेडी बना चुके ही हैं तो वो वेस्ट ही जाना है इन दी एंड वो किसी और को तो सर्व करेंगे नहीं अजीब लग रहा है एम्बैरेसिंग लग रहा है जो कर रहे हैं हम पर क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा लगेगा पैसा उससे बढ़िया तो यही कर सकते हैं छुपा सकते हैं क्योंकि ये वापस दे नहीं सकते बिल है जो आ चुका है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा तो मेरे मुंह पे रख के ढकार मत ले रहे इंडियन फूड नो 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 फूड राइट नाउ डोंट इवन टॉक अबाउट फूड राइट नाउ आई एम फीलिंग सिक पैसा बचाने के लिए लोग कम खाते हैं यहाँ पे साला हमने पैसा बचाने के लिए ज्यादा खाया है जबरदस्ती खाया है तो वीडियो करते हैं इवेंट अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो स्टे आवर अंडरस्कोर पे और भैया फिर से निकल चुका है तुम्हारा बाबा कैफे की तरफ एडिटिंग मैं घर पे कर रहा था सही हो रही थी पर मुझे फिर कॉफी पीने का मन हो गया और यहाँ की कॉफी लाटे तुम्हें पता ही है चुम्मा राव चंडस प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक फ्रेंड यू नो गाइस व्हाट टू डू जो मेरे पीछे मेरी फेवरेट प्लेस है वहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठ रखा है आई एम फीलिंग सो सैड बट यहाँ पे बैठना पड़ेगा विद नो व्यू हो जाता है मुझे तो एक चीज़ भी समझ में आ रही मेरे हिसाब से ये पॉक जो बनाएंगे मे बी इट्स गोना बी गुड बट मुझे लग रहा है कि है ना मैं जितने पैसे दे रहा हूँ इस चीज़ के दे रहा हूँ केवल ये कोका कोला पियो अनलिमिटेड